बात करते हैं आज की क्राइम से जुड़ी बुलेटिन का। तंत्र मंत्र के चक्कर में पत्नी को मारकर आंगन में दफनाया, खुले बोल। पति ने पत्नी को मारकर अपने ही मकान के आंगन में दफना दिया। बेटे को शव होने पर शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने शव को घर के आंगन से बरामद किया। पुलिस फरार पति की तलाश में जुट गई है। घटना के पीछे लड़ाई झगड़ा और झाड़फूंक का मामला सामने आ रहा है। हैरान कर देने वाली घटना यूपी के वाराणसी की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि फरार पति राजेंद्र प्रसाद की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में शरीर में चीरा लगाकर रखवाई गोली, 1.5 लाख की लूट का किया नाटक। लखीमपुर खीरी जिले में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपने पीठ में चीरा लगाकर फिर उसमें कारतूस की गोली रखवा कर अपने साथ 1.5 लाख की लूट का नाटक करने का मामला सामने आया है। गैस एजेंसी पर काम करने वाले युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड पर लाखों रुपए खर्च कर दिए और फिर लूट की झूठी कहानी रच दी। युवक ने अपने साथियों की मदद से पहले पीठ में चीरा लगवाया और फिर उसमें एक फायर की गई गोली रखवा दी। उससे लगे कि बदमाशों ने गोली मारकर उससे पैसे छीन लिए हैं। बता दें कि यह सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के गदर ने खुद को मारी गोली, हुई मौत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के गदर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार कर हत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक गदर एक रिटायर्ड फौजी भी थे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के खंड 4 में एक होटल में रिटायर्ड फौजी राजेश कुमार आकर रुके थे। राजेश कुमार झांसी के रहने वाले थे। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के गदर भी थे। कर्नाटक के विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर का शव बरामद, कुछ दिन पहले सदन में हंगामा हुआ। कर्नाटक के चिकमंगलूर में राज्य के विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का शव मिला है। यहां कदूर के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस को उनका शव बरामद हुआ है। साथ ही सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक सुसाइड की पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक जेडीएस नेता एसएल धर्मेगौड़ा का शव बीती रात करीब 2 बजे बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। यूपी में चंदौली पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ का गांजा, सब्जियों के ट्रक में हो रही थी तस्करी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले ऐसे 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कैरेट में सब्जियों के नीचे गांजा छुपाकर छत्तीसगढ़ से बिहार ले जा रहे थे। बीच रास्ते में चंदौली की बलुआ पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने ट्रक में छुपाकर रखा हुआ 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चंदौली के एडिशनल एसपी प्रेमचंद ने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के पकौड़ा बाजार में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान घर से गुजर रहे ट्रक से सब्जी के खाली कैरेट गिर पड़े। ट्रक को रोका गया। ट्रक रुकने के बाद उसमें से 2 लोग निकलकर भागने लगे, जिनको दौड़कर पुलिस वालों ने पकड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए हर खबर पर अपनी नजर इंडिया हॉट टॉपिक्स के साथ और देखते रहे देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।